ट्राई कलर, बगल में आपको बांध पुल है, फिर इधर सुलिस गेट है, इधर ये है, अब प्लॉटिंग की जा रही है, क्या है ये पूरा? देखिए दरभंगा के अंदर ही नहीं पूरे बिहार में ये एक बहुत बड़ा माफिया का गेम है। अब दरभंगा ही में ले लो, यहाँ पर ये आप देख ही रहे हैं पीछे जो प्लॉट कटा है पूरा पानी के अंदर सबमर्ज है। इसी के बराबर में भास्कर कॉलेज, उसके बराबर में वास्तु विहार, आगे सिक्योरिटी के रास्ते में मिलेगा वास्तु विहार का, सभी पानी के अंदर सबमर्ज है। अब आप पीछे देख सकते हैं ये इनका ऑफिस है जहां से ये बेचते हैं, पूरा ऑफिस डूबा हुआ, पूरा डूबा हुआ। तो क्या है कि भारत बिहार सरकार को खासतौर से देखना चाहिए कि कोई भी प्लॉट बंदी जब तक के अबव फ्लड लेवल ना हो, उसके मतलब अर्थवर्क ना कर दिया जाए, तब तक उसकी किसी की प्लॉट बंदी ना हो या कोई भी कॉलोनी ना बने, उसको इजाजत नहीं मिली। तो ये तो बिल्कुल एक समझ लो कि बहुत बड़ा गेम है, इसमें अरबों रुपया लोगों का जा रहा है। कोई बेचारा बॉम्बे रह रहा है, कोई दिल्ली रह रहा है, कोई मद्रास रह रहा है और वहीं से ये बुकिंग दे रहा, या फिर बरसात के वक्त में ये बुकिंग नहीं करते। अभी तो ऑफिस बंद हो गई, देख लो आप, अब ये आएंगे जब बरसात खत्म हो जाएगी तब आप प्लॉट दिखाएंगे लोगों को, क्या मालूम कि यहाँ पानी भी लगता है, पानी तो थोड़े दिन के बाद चला जाएगा। तो ये बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, यहाँ के कलेक्टर को संज्ञान लेना चाहिए कि जब तक के वो फ्लड लेवल के ऊपर तक भरे नहीं, उसको इजाजत नहीं मिलनी चाहिए प्लॉट काटने की या फ्लैट बना के बेचने की या जो ये बंगला उंगला बना के बेचते हैं, इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।